मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com उस कोर्ट की वजह से ये केस और भी ज्यादा उलझ गया था अगर एसीपी सर उस कोर्ट से सफाले जेटी का पता नहीं करते तो हमें इस डील के बारे में कभी पता नहीं चलता कभी भी हाँ सालों के सर ओ मतलब आप कह रहे हैं सर कि शार्प शूटर ने जिस क्राइम सीन से रितु पर गोली चलाई थी वहां पर मिले उंगलियों के निशान उस क्राइम सीन से मैच करते हैं जहां हमें बीकू और कल्लू की लाश मिली थी ओके सर थैंक यू इसका मतलब रितु का मर्डर केस और उन दोनों अंडरकवर एजेंट्स का मर्डर केस कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है ये तो दया सर के मिलने के बाद ही पता चलेगा और दया सर का पता ये ड्रग डीलर्स ही बताएंगे पकड़कर अच्छा नहीं किया तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरा बॉस कौन है और शायद तू नहीं जानता कि हमारा बॉस कौन है एसीपी प्रद्युमन जिसका नाम सुनते ही तेरे जैसे मच्छर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगते हैं अब बोल इतने ड्रग्स तू हमारे देश में कहां से ला रहा है ड्रग्स तुम्हें लगता है इन बॉक्सेस में ड्रग्स है तुम सीआईडी वाले कुछ भी सोचते हो तोहफा तोहफा है तुम्हारे लिए जाओ इन पेटियों में ड्रग्स नहीं है सारी पेटियां हथियारों से भरी हुई हैं। ये तो कुछ भी नहीं है इस देश में और फटाके आने वाले हैं हर रात दिवाली होगी और हर दिन खून की होली क्या कहा तूने क्या कहा तूने जब जब तेरे जैसे लंगूर इस देश पे आंख उठाएंगे ना तब तब तुम जैसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी अब चल जेल और अपनी मौत का इंतजार कर चल मौत तो दया का इंतजार कर रही है कुछ ही पलों का मेहमान है वो मरने वाला है क्या कहा तूने क्या कहा है दया सर बोल कहा है दया सर दया कहा है इसका जवाब तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा
मुगल, मुगल, रुक, मुगल, नहीं, हम, हम, इसने तो शहर का कैप्सूल खा लिया, रैसर तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया। आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, हमारी कंपनी के शेयर्स में पूरे 40% की बढ़ोतरी हुई है। वन मोर थिंग माय फ्रेंड, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इसका मतलब यह है कि जनता ने हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करके हमसे जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को कायम रखना है, उसमें खरा उतर रहा है। खरा तो मैं उतरूंगा, जब रात को तुझे डरावने सपने में मैं दिखाई दूंगा। कौन है आप? अंदर कैसे है? ए, ए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, तेरे सिक्योरिटी वालों को सुला के इधर आया हूँ। अगर आप लोगों को सोना है तो यहाँ बैठे रहो, बचना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ। सुनिए क्या हुआ बॉस, आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है क्या? तुझसे कहा था ना कि ऑफिस में बताना कभी। ये ऑफिस वो नकाब है जिसकी वजह से भेड़िया भेड़ की खाल पहन के घूम रहा है, समझा? क्या समझा? कि आप भेड़िए हैं। सॉरी बॉस, सॉरी। क्या बात है इतनी जरूरी कि शाम तक इंतजार भी नहीं कर पाए तुम? बॉस, सीआईडी वालों ने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं बॉस, एक सिंगल गन भी नहीं बची है बॉस। ये बॉस हंस क्यों रहे हैं? दिया पूछने से पहले भड़कता जरूर है, सीआईडी वालों का भी पूछने का वक्त आ गया है छोटे, भड़कने दे, जितना चाहे भड़कने दे इन लोगों को। उनके पिक्चर की एंडिंग तो मैं लिख ही चुका हूं। सीआईडी जी। काम हो गया? हाँ जी, हो तो गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं हूं ना, भरोसा करो मुझ पर, फाइल दो। दया के और मेरे दोनों के फोन रिकॉर्ड है ना इसमें? हाँ ठीक है, थैंक यू। तीजा निकेतन जय, सारे के सारे अंडरकवर कॉप्स मगर एक के बाद एक मारे गए। और तो और, एक कॉप की बीवी बेचारी शांति, उसने भी अपने आप को गोली मार ली और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बन कर रहेगी। और अब वो मुजरिम जो हमें दया तक ले जा सकता था, वो भी मारा गया हमारे ऑफिसर्स के सामने। मुगल! कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात। सर, पता नहीं मेरा ये कहना ठीक होगा भी या नहीं, पर बैलिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी।
श्रेया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दया सर की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी है सचिन, अभिजीत हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। पहले वो पैंट पर खून वाली बात। ये पैंट है किसकी? मेरी है। और फिर अब ये गोली जो उसके गन से चली और जाकर दया को लगी। सर हो सकता है कि अभिजीत सर को वाकई कुछ याद ना हो। तो याद ना हो तो क्या हुआ? जब मैंने उसे कहा था कि तुम वापस लौट आओ तो क्यों नहीं आया? मेरे मुंह पर उसने फोन बंद कर दिया। सर लेकिन अभिजीत सर दया सर पे गोली क्यों चलाएंगे सर? उनके पास क्या मोटिव हो सकता है सर? मोटिव है सर। क्या मोटिव हो सकता है? वो रघु वाला केस याद है ना आपको? वो रघु केंडाली वाला फोन? हाँ सर, पिछले हफ्ते मैं और दया सर उसे पकड़ने गए थे। शायद रघु किसी भी हाल में जिंदा चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए। डोंट शूट। ये बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? अरे जा जल्दी, सारा दूध पी जाएंगी, भगा उसे। ठीक है रुक, मैं देखता हूं। अरे ये अभी तक आया क्यों नहीं? ये बिल्ली को भगाने गया है या उसे पालने के लिए गया है? तू जरा देख कर आ जा। ठीक है, मैं जाके देख के आता हूं। जो जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं। सीआईडी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ले मर। मेरी तो हट। ले मर। ये क्या कर दिया तुमने शेर? इसे? सॉरी सर, उसने मुझ पे फायर किया था। सॉरी। शेर हमें इसे जिंदा पकड़ना था। इसके जरिए हम इसके साथियों तक पहुंच सकते थे। सर मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूँ। आई डोंट डिजर्व इट। सर मैं एसीपी सर को अपना इस्तीफा दे दूंगी। क्या बात कर रहे हो शेर? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? सर मैं उस पे गोली नहीं चलाना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझ पर फायर किया सर, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया, पर गोली उसके सीने में लग गई। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। I'm very sorry, sir. चार चार गैंग का खात्मा कर सकते थे रघु के जरिए हम लोग,
न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी इससे पहले कि हम फिर से कोई नया सबूत इकट्ठा कर पाए। अभिजीत यार, मैंने तुमसे सॉरी कहा है, बार बार उसी बात को क्यों खुरेद रहे? क्योंकि खून खोलना है यार मेरा। दिन रात एक करके खबरियों के पीछे पड़ के एक एक सबूत एक एक सुराग इकट्ठा किया मैंने, किसी तरीके से पता लगाया रघु का, मगर क्या अंजाम? एक गोली, श्रेया की एक गोली ने पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी और हजारों देशवासियों की जान फिर से खतरे में डाल दी। प्लीज अभिजीत, ये बात मैं भी उसे कह चुका हूं, ये बार बार गुस्सा होने से और उसे गिल्टी फील करवाने से ये रघु वापस जिंदा नहीं होगा। ये तुम्हारे मुंह से मैं क्या सुन रहा हूं? तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे, तुम ही कहा करते थे ना कि मुजरिम को जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें खुद गोली खानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ विजय, मैं अब भी ये बात मानता हूं। तो तुमने गोली खाई है, मैंने गोली खाई है, श्रेया को गोली लग जाती तो क्या बिगड़ता? आज रघु यहां बैठा होता और हमारे सवालों का जवाब दे रहा होता। गोली श्रेया ने भी खाई है अभिजीत, रघु की मौत उसकी कायरता नहीं, उसकी एक गलती है। प्लीज फॉर गॉड सेक क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, एक आखिरी सवाल, श्रेया की जगह ये गलती किसी और ने की होती, रेडी ने, सचिन ने, पूर्वी ने, तब भी तुम ऐसे ही जाने देते? होश में अभिजीत, क्या कह रहे हो तुम? ड्यूटी के नशे में इतने बहक मत जाना मेरे दोस्त कि किसी अपनों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। श्रेया, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभिजीत सर हमेशा और हमेशा सिर्फ सीआईडी के बारे में सोचते। उन्होंने दो कड़वी बातें क्या कर ली तुमसे कि तुम उन पे इल्जाम लगाने लगी? सर, मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शायद ये वजह हो सकती है कि अभिजीत सर ने दया सर पे गोली क्यों चलाई। कोई और मजबूरी जो अभिजीत ने दया पर गोली चलाई। प्रथा के दिए गए मोबाइल के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे दया को मेरे मोबाइल से मैसेज किया गया और यहाँ पे बुलाया गया दया को। शायद यहाँ से मुझे और दया को वहां ले जाया गया जहाँ पे कालू और बीकू को गोली मारी गई। सोने का दांत खून लगा हुआ है। सर, मुझे लगता है कि दया सर और अभिजीत सर के बीच में जो तनाव चल रहा है वो रघु के केस को लेके नहीं है सर, बल्कि उस गायब हुए बैग को लेके है। गायब हुआ बैग? कौन सा बैग? सर, आपको याद होगा कि दया सर और अभिजीत सर राका नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए गए थे। पैसे तो असली है, पिछली बार की तरह नकली नोट तो नहीं है? चाहिए तो एक एक नोट चेक करके ले शाने, हमारी गैंग बार बार गद्दारी नहीं करती है, समझा? करना भी नहीं, वरना जिंदवीक सेठ एक एक की लाश गिरा देगा। क्या करेगा बेचारा जिंदवीक सेठ? एक एक को लाश बना देगा। देख लेंगे, बुलाना उसको सामने। आने दे, पता चल जाएगा हमारा सेठ भी कुछ कमती नहीं है, समझा? लाशें तो अब तुम सबकी बिछेगी। सीआईडी, मारो इन दोनों को।
बहुत सारे पैसे। तो गोली लगी? नहीं कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई। अब ठीक है? ठीक लग रहा है? हाँ। क्या हुआ, दर्द है? वैसे तुम जैसा दोस्त हो तो दर्द कैसा? इसी बात पे मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे देता हूँ। ये क्यों? अरे यार, अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी जीत। ये घाव जल्दी सूख जाएगा, बचपन आ गया। नहीं चलो बस, ब्यूरो चलते हैं। ब्यूरो व्यूरो कुछ नहीं, तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं ब्यूरो में। अभिजीत यार, ये पैसों का बैग है, ब्यूरो लेके चलते, नहीं तो एसीपी साहब पूरा मान जाएगी। चलो। नहीं, मैं एसीपी साहब से बात कर लेता हूँ, अभी बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ, कल ब्यूरो में मिलते हैं। थैंक्स यार, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या पैसों से भरा बैग गायब हो गया? हाँ। ये कैसे हुआ ये सर? यही तो बता रहा हूँ अभिजीत, नहीं मालूम, रात को सो रहा था, जब सुबह उठा तो घर में वो बैग था ही नहीं। था ही नहीं मतलब? ये चोर घर में घुसा कैसे? अब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने कहा ना कि सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी और दरवाजा लॉक था। डुप्लीकेट चाबी? तुमने अपनी डुप्लीकेट चाबी किसी को दी? मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास ही होती है, तुमने किसी को दे तो नहीं दी थी? अरे लेकिन तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी मैं किसी और को क्यों दूंगा? वही तो, और तुम्हारे और मेरे अलावा इस बैग के बारे में किसी और को पता नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझ पे शक कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं कि वो बैग मेरे घर से कहां गया। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पे एसीपी साहब यकीन करेंगे? तुम्हें लगता नहीं करेंगे? पैसों के लिए मेरा ईमान डगमगा तो नहीं जाएगा, इतना तो एसीपी साहब भी मुझे जानते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया के रहते हुए उसके घर से कोई सबूत गायब कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। एक काम करते हैं, जब तक वो बैग मिल नहीं जाता ये बात एसीपी साहब को नहीं बताते। अभिजीत और दया ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझसे छुपाई, ये बात विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। इतना ही नहीं सर, उसके बाद एक दिन अचानक वो बैग गया तो गया कहा, ये बैग दया के घर से गायब हुआ, मेरे घर में कैसे पहुंचा? ये क्या चक्कर है, कोई फंसा रहा है लगता है। ठीक है, हम लोग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट? आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? मेरे घर की तलाश? क्यों? हमें खबर मिली है आपने किसी मुजरिम से रिश्वत ली है। रिश्वत? सर नीचे तो कुछ भी नहीं मिला। सर यहां भी कुछ नहीं है। सॉरी, आपको तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं।
कम चलो। यहां पे आया, यहां से गायब कैसे हो गया? अभिजीत मतलब दया आया था यहां पे? ये अभिजीत का दया के ऊपर गोली चलाने का चक्कर ना हुआ होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि अभिजीत के घर पर रेड हुआ था। सर हमें लगा कि इन्फोर्समेंट वालों ने आपको बता दिया होगा। सर नहीं, मुझे बताना चाहिए था ना। सर इन्फोर्समेंट वालों को बैग मिला ही नहीं सर। वो बात अलग है सचिन, पर वो बैग गया कहां आज? सर शायद वो बैग दया सर अपने साथ उठा के ले गए होंगे। दया? अब ये दया कहां से आ गया बीच में? सर दया सर के हाथ में जो पट्टी बंधी थी वो हमें विंडो के पास से मिली सर। वो बैग अभी रेड में मिला था, फिर अभिजीत के घर में गया कैसे? फिर हो सकता है कि दया सर। नहीं सर, दया सर ऐसा नहीं कर सकते। वो अभिजीत सर को नहीं फंसा सकते, और अगर वो अभिजीत सर को फंसाना चाहते तो वो बैग को दोबारा गायब क्यों करते? अभिजीत को मैंने उन अंडरग्राउंड कॉप्स को बचाने के लिए कहा था, अभिजीत ने उन पर गोली मार दी। और तो और ये दया और अभिजीत दोनों के दोनों गायब है। कोई तो है जो उन दोनों को नचा रहा है, कोई तो है। सर आपको किसी पे शक है? हाँ शक है सचिन, शक है मुझे। अरे जो भी कोई कर रहा है ना वो सीआईडी में से ही कोई है, सीआईडी में से। उन अंडरग्राउंड कॉप्स के नाम सिर्फ मुझे मालूम थे, सिर्फ मुझे मालूम थे। अरे उन्होंने अपने नाम बदल लिए, अपनी फैमिली छोड़ी थी, अपनी जान पर खेल के हमें इंफॉर्मेशन देते थे, फिर भी उनकी ये हालत हुई। किसने किसने नाम बताए दुनिया को उनके? किसने? ये जो भी कोई है अगर मेरे हाथ में आएगा ना उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि। बॉस कार तो खड़े लिए? हाँ उसमें कोई बैठेला नहीं है। पैसा किसको दू? कार का नंबर ZZK7SY23R। हाँ ठीक है बॉस, वेट करता है। लेकिन बॉस जगह बहुत डेंजर है, कोई भी को टपका सकता है इधर। हाँ लेके आया ना बॉस? हाँ लेके आया, लेके आया। हाँ ठीक है भाई। हेलो, गन अंदर रख। हाँ तुम मेरे को देख रहा है क्या? गन अंदर रख बोला ना। गाड़ी के पास जा, डिक्की खोल गाड़ी की। तू डिक्की में बैठा है क्या? यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं? डिक्की खोल, फोन चालू रख और डिक्की खोल। हाँ खोल दिया। अब बैग को ले क्या रख अंदर। हाँ रख दिया। तो देख वहां पे एक पेपर पड़ा हुआ है, वो लिस्ट है जो तू लेने आया है, उठा उसको। पूरी है क्या? हाँ बोल देना अपने बॉस को, यही है वो लिस्ट, ACP प्रद्युमन के 6 अंडरकवर एजेंट। डिक्की बंद कर, डिक्की बंद कर, सीधे निकल जाए यहां से।
पीछे मुड़ के मत देखना वरना तेरी लाश मिलेगी यहाँ पे। चार करोड़ रुपया मजा आ गया। प्रद्युमन सर, ये अभिजीत कहाँ है? क्यों सर? जरा बुलाओ उसे। सर है नहीं। अरे हम उसी को ढूंढने में लगे। देखा, मुझे शक था जरूर किसी उल्टे सीधे काम में लगा होगा। और देखो तुम इस डॉक्टर तारिका पे नजर रखो। क्यों? अरे वो उसको मदद कर रही है चुपके से। अभिजीत की? हाँ। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ तारिका। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम लैब में अकेली हो या डॉक्टर सारुंग के भी हैं आसपास? इस वक्त तो मैं अकेली हूँ लेकिन सारुंग के सर कभी भी आ सकते हैं। तारिका मैं ये बात फोन पे नहीं बता सकता, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे लिए इस वक्त लैब से निकलना बहुत मुश्किल है अभिजीत। तारिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे हम असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। कैसा सबूत बताओ? तुम शाम को 6 बजे जैक्स कॉफी शॉप में मिलो बस। मैम क्या लेंगी आप? बस कुछ देर में ऑर्डर करती हूँ, एक्चुअली मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ। ओके। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई, इसी तरीके से बचते बचाते यहाँ पहुंचा मैं। अभिजीत ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ सालों के सर, एसीपी सर। मैं सब समझता हूँ तारिका, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने को कहूंगा क्या जो सीआईडी की ड्यूटी के खिलाफ हो? देखो अभिजीत आई लाइक यू और ये बात सबको पता है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा इस तरह से चोरी चोरी काम करना। प्लीज प्लीज मुझे मजबूर मत करो तारिका, प्लीज बस आखिरी बार मदद कर दो मेरी, मैं तुम्हें फिर तंग नहीं करूंगा, प्लीज। आखिर तुमने किया क्या है? जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ गलत नहीं किया तारिका। तो फिर इस तरह से क्यों चुपके चुपके घूम रहे हो, सबको बता क्यों नहीं देते? कुछ ठीक से याद है तो बताओ ना, पता नहीं क्या कौन सी गैस छोड़ रखी थी उन बदमाशों ने वहां पे, कुछ क्लोरोफार्म की तरह थी, पूरे दिमाग में धुंध ही धुंध है, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत देखकर तरस आ रहा है। नहीं तरस मत खाओ मुझ पे तारिका, मेरा एक काम कर दो तारिका, ये कहां से मिला तुम्हें? ये दया ने जब किसी बदमाश को घूंसा मारा तो उसका ये दांत टूट के गिर गया, तुम इसका डीएनए टेस्ट करो और अपने रिकॉर्ड में चेक करो ये दांत किसी मुजरिम के साथ मैच करता है क्या। अब करेंगे ऑर्डर मैम। मेरे लिए एक कॉफी कैपुचिनो, तुम क्या लोगे अभिजीत? मैं एक चाय ले लूंगा।
कुछ खाओगे? नहीं। दो तीन बिस्किट। नहीं नहीं नहीं, लो चल। ए, तुम जाओ। भाग जाओ। तारिका, तेरा कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब करने का, मगर इसे ढूंढना बहुत जरूरी था। श्रेया, तुम? मैं आती हूँ 6 बजे। हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? अच्छी पुलिस ऑफिसर है, नमक हराम नहीं है। फंसाना चाहती हो अभिजीत को ना? नहीं, मैं तो सिर्फ, जब से दया सर गायब हुए हैं मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे फिक्र नहीं है, मैं भी तो लगा हूं उसे ढूंढने के लिए। ब्यूरो में चलो, वही पता चलेगा सब। श्रेया सर, चलो हथकड़ी लगाओ इसको। सर प्लीज। हेलो, लगाओ हथकड़ी। सॉरी सर, आई नॉट फॉरगेट दिस। श्रेया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपने काम में शर्म कैसी? तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना। चले अभिजीत, दांत तो तारिका के पास है। अभिजीत? यस सर, अभिजीत। अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, मगर डीसीपी चित्रोले से बचना नामुमकिन है। सर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कोई अपराधी अपराधी नहीं हूं। तो अभिजीत, जब मैंने तुम्हें सरेंडर होने के लिए कहा तब बात मानी नहीं, और अब डीसीपी साहब के सामने जाकर सरेंडर हो गए? सरेंडर नहीं, गन की नोक पे गिरफ्तार। मैं आपकी गन की वजह से सरेंडर नहीं हुआ हूं सर। तो फिर आपकी इज्जत रखने के लिए चला है आपके पीछे पीछे। अभिजीत, दया की बॉडी में से जो गोली निकली है वो तुम्हारी गन से चली है। क्या? दया की गोली मेरी मेरी गन में से? हाँ अभिजीत, हाँ, तुम्हारी गन में से चली है गोली। दया गोली मेरी गन में से कैसे लग गई? कुछ याद नहीं आ रहा है, कैसे हो? गोली चला दी और याद नहीं आ रहा है? अब याद नहीं है तो याद नहीं है सर। तुम्हारे मुंह से निकलवाना पड़ेगा। गोली चलाएंगे मुझ पे? हाँ। तो मारिए, मारिए गोली, चलाइए गोली। बगावत पे उतर आया सीआईडी ऑफिसर, उस अंडरकवर ऑफिसर को गोली क्यों मारती? सर वो तो मैं अभी नहीं बता सकता सर। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सर मैंने नहीं। अभिजीत बताना ही पड़ेगा, क्यों मारी गोली उसे? क्योंकि आपने कहा था। क्या? मैंने? आपकी आवाज बार बार आ रही थी सर। अभिजीत शूट, शूट अभिजीत, शूट अभिजीत, शूट। आपने कहा था सर, शूट अभिजीत, शूट। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभिजीत। सर जो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे कि उस रात क्या हुआ था। शूट अभिजीत, शूट। आपकी आवाज आ रही थी सर, अभिजीत शूट। कह दो अभिजीत,
कह दो कि ये झूठ है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। यस बॉस। ए, ढोंगो उसको। बिल्कुल ठीक हूं दया, तुम हो कहां पे? मैं श्रेया। अभिजीत, पता नहीं लोगों ने मुझे कहां रखा है। घबराओ नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। दया, दया किन लोगों ने रखा है तुम्हें? तुम्हें पकड़ के रखा है क्या? दया, क्या तुम्हें पकड़ लिया है किसी ने? दया, कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? कौन बोला? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं पहचानता? जो डीसीपी चित्रोले की आवाज नहीं पहचान सकता वो ऑफिसर किस काम का? तो आप ब्यूरो में? और क्या, ये ढूंढने के लिए आया था तुम्हें किसने गोली मारी है? आप चिंता मत कीजिए सर, आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्यों रहने दीजिए? ओह, सीआईडी ऑफिसर को बचा रहा है? अपने दोस्त को बचा रहा है। देखो दया, उस रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ और सच सच बताओ। दया, कानून सबके लिए एक है। यस। तो बताओ किसने गोली चलाई तुम पर? दया, किसने गोली मारी तुम्हें? सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। आप रहने दीजिए सर। दया बोल दो, इन सब के सामने बोल दो, सच क्या है? दया बताओ, किसने मारी गोली? हाँ दया, बताओ जल्दी। बताओ किसने गोली मारी तुम्हें? दया, किसने गोली मारी? बताओ जल्दी दया, किसने गोली मारी? गोली आपने मारी थी सर। क्या? मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी।